Hello students, welcome to the next concept. I will try to make it easy because previous derivation itna bada tha ki I don't know ki how many of you have understood it. Okay, but if you have not understood, go through it again and again and try to practice. So basically ek cheez mujhe samajh mein aata hai ki jab main gas ki baat karta hu तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव हो रहे हैं, और अगर सारे मॉलिक्यूल रैंडमली मूव हो रहे हैं तो उनका एवरेज कैसे फाइंड करें? ओके, नॉर्मल हम एवरेज अगर फाइंड करने जाएंगे तो शायद से आंसर हमें जीरो आ जाएगा, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसको प्लस ले लिया, इसको माइनस ले लिया, नेट कितना हो गया? जीरो. सो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी. ओके, पहला तो समझ लेते हैं कि अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं कि फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है, थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी v3 है, और ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. वो पर्टिकुलर कंटेनर में देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हर एक की वेलोसिटी मुझे पता है v1, v2, v3 एंड सो ऑन. इफ आई वॉन्ट टू फाइंड एवरेज, so what is the mean velocity? What is the mean velocity? Mean velocity will be addition of all. जैसे हम बचपन में करते थे, सबका addition करेंगे सारे velocities का और n से divide करेंगे. तो इससे मुझे मिलेगा mean velocity. बच्चों क्या मिलेगा मुझे? mean velocity. last डेरिवेशन में हमने बनाया मीन स्क्वायर वेलोसिटी. व्हाट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी? मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब हम स्क्वायर करके मीन लेंगे, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर एंड vn स्क्वायर अपॉन n. इससे आंसर आएगा v स्क्वायर. क्या आएगा इसका आंसर? v स्क्वायर. ओके, v बार स्क्वायर लिख देते क्योंकि हमने बार वर्ड यूज किया था, तो v बार स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा. ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी. सिंपल है, हमने स्क्वायर करके एवरेज निकाला. पर अगर मैंने इसका रूट ले लिया, ओके बच्चों, अगर मैंने इसका रूट ले लिया तो रूट अगर हम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? v मिलेगा. इसको हम बोलते हैं RMS वेलोसिटी. तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी, इट इज नथिंग बट रूट ऑफ दिस वैल्यू, दैट इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस vn स्क्वायर अपॉन n. तो ये बन गया आपका बच्चों RMS वेलोसिटी. तो ये मीन वेलोसिटी है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, और ये RMS वेलोसिटी. सो बेसिकली जब मैं गैस मॉलिक्यूल्स के एवरेज की बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि गैस मॉलिक्यूल की स्पीड इतनी है, तो मैं उसके आरएमएस स्पीड की बात कर रहा हूँ. किसकी बात करो बच्चों? आरएमएस स्पीड की. रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस. तो आरएमएस वेलोसिटी या फिर आरएमएस स्पीड की बात करो, ठीक है. तो बेसिकली हमने लास्ट डेरिवेशन में ये चीज को यूज किया, मीन स्क्वायर वेलोसिटी. मीन स्क्वायर वेलोसिटी को मैंने रूट कर दी, मुझे आरएमएस वेलोसिटी मिल गया. ओके, सी व्हाट वी डिराइव्ड इन द लास्ट लेक्चर. प्रेशर का डेरिवेशन क्या था? 1/3 एन एम वी बार स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी, एंड कैपिटल वी इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट. अभी v डैश स्क्वायर आपको समझ में आ रहेगा, इट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, बराबर है. अभी बच्चों ये बात को समझो कि जब मैं बोल रहा हूं कि एक कंटेनर में मैंने गैस डाल दिया, तो वो गैस क्या करेगा? सारे वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा. कितना प्रेशर लगाएगा? 1/3 एन एम वी डैश स्क्वायर अपॉन वी. ये हमने प्रूव किया, 1/3 nm v bar square upon v, बराबर है. अभी अगर मुझे बात करना है तो मैं इस 3v को इधर लेके आता हूं, तो 3pv हो जाएगा अपॉन nm
इज इक्वल टू वी बार स्क्वायर, बराबर है। वी नो दैट, व्हाट वी नो, आइडल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू एन आर टी, बराबर कि नहीं। तो PV के बदले बच्चों में NRT डाल सकता हूं, तो 3 इंटू एन आर टी अपॉन एन एम इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर, बराबर कि नहीं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इन प्लेस ऑफ स्मॉल n, व्हाट इज स्मॉल n, पहला लेक्चर में मैंने बताया व्हाट इज स्मॉल n, सिंस वी नो कि स्मॉल n इज n अपॉन n a, ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, v बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इनटू कैपिटल n अपॉन n a, बराबर है। ये स्मॉल n के बदले वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, इनटू r t, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी n m है, ये n और n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अगर ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों तो अभी मैं लिख सकता हूं v बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3 RT अपॉन na into m। अगर मैं इसका रूट लेता हूं बच्चों तो v बार स्क्वायर इज इक्वल टू, उसका रूट ले तो यहां पे भी रूट लेना पड़ेगा, 3 RT अपॉन na into m, and this is nothing but RMS velocity, that is VRMS. Therefore, मुझे मिला भाई VRMS is root of 3RT upon na into m. अभी 3R, na, m ये सारे constant है, given gas molecule के लिए उसका universal gas constant है, ये Avogadro's number है, उसका mass constant रहता है, सारी चीजें constant है. Therefore, I can say VRMS is directly proportional to root of a. So this is the most important conclusion what we have derived. Ki speed, the velocity of the gas molecule, it depends upon the temperature. Velocity of the gas molecule, it depends upon the temperature. That means when you are increasing temperature, the speed, the velocity, the RMS velocity is also increasing. Bachcho. Theek hai? I hope this is very clear to you. Fir se batata hu main kaise kiya hai. Pressure. एक कंटेनर में मैंने गैस को डाल दिया तो गैस मॉलिक्यूल क्या करेगा, जाके प्रेशर एक्सर्ट करेगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, 1/3 nm v बार स्क्वायर अपॉन v, बराबर है। यहां तक समझा, ये अपने लास्ट टाइम डिराइव किया था। अब मैंने ये सारा उधर लेके गया, इधर v बार स्क्वायर रख दिया, तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्या ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी, बराबर। तो ये मुझे पहले मिला। आइडल गैस इक्वेशन क्या बोलते हैं भाई, PV इज इक्वल टू nRT, PV is equal to nRT, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, PV के बदले nRT सब्स्टिट्यूट कर दें। N क्या है, number of molecules upon Avogadro's number, तो ये भी मैंने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, N कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे मैंने दोनों बाजू में रूट ले लिया, और जैसे मैं रूट ले लूंगा ये RMS velocity हो जाएगा, तो ये एवरेज मीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है एक गैस मॉलिक्यूल की, which says always tell us कि जैसे temperature बढ़ेगा बच्चों RMS velocity भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो this is what we have concluded. तो आप कभी भी बात करते हो कि how temperature affects RMS velocity, how temperature affects the speed of the gas, तो याद रखो temperature बढ़ाओगे तो RMS speed बढ़ता है। अच्छा, RMS speed बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगा तो गारंटेडली उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये पॉइंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखो, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट वेयर वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर आरएमएस वेलोसिटी, याद रखो इट इज रूट ऑफ 3 RT अपॉन na into small, इज इट क्लियर। सो आई थिंक ये आप नोट डाउन करो अच्छे से, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम गारंटेडली इसके सम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। थर्ड कॉपी, थैंक यू वेरी मच।